हेलो बच्चों, तो जैसा कि हमारा चैनल में हम लोग वीडियोस डाल रहे थे क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जाम के लिए आज का ये वीडियो है। जैसा कि आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो वहां तक हम लोग ओम्स लॉ को कंप्लीट किए थे। अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक करेंट, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और अप टू ओम्स लॉ कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग अपने एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। आपको एक V और I का ग्राफ दिया जाएगा बच्चों। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट। अब आपसे पूछा जाएगा विच कंडक्टर, यहां पे दो कंडक्टर दिखाया गया है X और Y, हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस। ठीक है, किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है ये आपसे पूछा जा रहा है। विच कंडक्टर हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो आप जानते हैं कि ओम्स लॉ के हिसाब से आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का, वो पोटेंशियल डिफरेंस और करेंट का रेशियो होता है। ठीक है, तो आप क्या करें, आप करेंट को फिक्स कर लें। ठीक है, मैंने करंट को फिक्स कर लिया, करंट का वैल्यू दोनों ही कंडक्टर एक्स और वाई के लिए सेम कर लिया। ठीक है, अब आप यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को देखिए, तो आप देखेंगे कि एक्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है और वाई के लिए कम आ रहा है। करेक्ट, एक्स का पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ रहा है, दिस इज वी एक्स, वाई का पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ रहा है, दैट इज वी वाई। सो क्लियरली कौन सा ज्यादा है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं आर एक्स। अगर हम एक्स वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं बच्चों, सो इट विल बी वी एक्स बाय आई, बिकॉज करंट तो दोनों का हम लोगों ने सेम रखा है। और अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ वाई निकाल रहे हैं तब क्या होगा, वी वाई बाय आई हो जाएगा। अब क्लियरली वी एक्स तो हमारा बड़ा है हमारा वी वाई से ना, देयरफॉर आर एक्स हमारा बड़ा हो जाएगा आर वाई से। क्लियर है? आप इसको स्लोप के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं, बट ऐसे समझेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। करेक्ट। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चों, अब क्या है, फिर से हमारे पास एक वी आई ग्राफ है, बट अभी आई हमारा वाई एक्सिस पर प्लॉट किया गया है और x एक्सिस पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। अगेन द क्वेश्चन कि इसमें से किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है। हम लोग कॉन्सेप्ट को सेम रखेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो v बाय i का रेशियो होता है। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, हमें i को कांस्टेंट कर लेना है। i को हम लोगों ने कांस्टेंट कर लिया, जब एक बार i हमारा कांस्टेंट हो गया तो अब हमें देखना है कि v का वैल्यू क्या है। तो यहां पर vx आ रहा है और यहां पे हमारा vy आ रहा है। सो दिस इज vx एंड दिस इज vy। अब कौन बड़ा है, तो हमारा vx बड़ा नहीं है, अभी हमारा vy बड़ा है। तो सिंपली हम लोग क्या रखेंगे, सिंपली हम लिखेंगे उसी तरह से rx इज इक्वल टू vx बाय i और ry को क्या लिखेंगे बच्चों, vy बाय i। दोनों का करंट तो हम लोग सेम कर लिए, अब देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसका बड़ा है। तो ये है वाई का पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस अभी एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया गया है। सो वी वाई अगर हमारा ग्रेटर है वी एक्स से, तो आर वाई हमारा ग्रेटर हो जाएगा आर एक्स से। क्लियर। तो इस टाइप का अगर ग्राफ से आपका क्वेश्चन आता है कि दो कंडक्टर का ग्राफ दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको आई को कॉन्स्टेंट रख के वी को मेजर कर सकते हैं। आप V को कॉन्सेंट रख के I को भी मेजर कर सकते हैं, बट एक कॉन्सेप्ट को आपको फिक्स कर लेना होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप किस पैरामीटर को, किस क्वांटिटी को फिक्स करेंगे। ठीक है, तो आपको कभी गलती नहीं होगा। क्लियर। चलिए।